अभी थोड़ा लॉन्च प्लान की बात कर लेते हैं। स्टेप वन क्या करना है, हम जहाँ टायर वन सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के जो भी हमारे करंट कंज्यूमर्स हैं उनको पूछो कि आर यू ऑपरेटिंग इन दिस टायर टू या टायर थ्री सिटी वेयर वी आर प्लानिंग टू ऑपरेट। इफ़ येस, तो उन लोग के साथ तो आपके रिलेशंस ऑलरेडी हैं ही, तो आपको बहुत ईजी रहेगा वहाँ पे पहले शुरुआत में ऑर्डर्स मिलने के। एंड दूसरा, अपना ऐप अपीयरेंस थोड़ा ईजी करो, थोड़ा कन्वीनियंट करो, ताकि टायर टू टायर थ्री के जो रिटेलर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट कर सकें। एंड सेकेंड स्टेप जाएंगे हम लोग जैसे एम्प्लॉय ऑन फील्ड एम्प्लॉयज, जैसे मैंने बात की कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स या सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को हायर करो एंड उनको बोलो कि हर जगह हर एक रिटेलर्स या हर एक रेस्टोरेंट्स के आउटलेट पर जाएँ, उन लोग को पिच करें, ठीक है। एंड द स्टेप थ्री, दैट इज़ वेयर हाउस मैनेजमेंट। एंड ये इन लोग को बहुत अच्छे से करना आता है, इन लोगों ने इसी पे अपना पूरा स्टार्टअप रखा है। और फिर भी एक दो पॉइंट्स बोल देता हूँ कि हमें पता है कि डिमांड ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स, जो इनकी वैरायटी रहती है, डिमांड तो हर जगह बहुत सही है पर जो वैरायटी की डिमांड है इसमें वो बहुत कम रहती है टायर टू टायर थ्री, ठीक है। तो हमें मिक्स एंड सिक्वेंशियल पुल सिस्टम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ड्यू टू डिमांड इनकी बहुत कम है, पर हमें इनको वही तरीके के ऑफर्स या बेनिफिट्स देने चाहिए जो हम टायर वन सिटीज़ में देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा इन लोग को अट्रैक्ट करना है हमारी तरफ। एंड सेकेंडली कि एग्रो प्रोडक्ट्स को खन बन में अच्छे से अरेंज करना है, सो फूड को कोई हार्म नहीं होगा एंड इट विल बी ईजी फॉर द वेयर हाउस मैनेजर ऑल्सो कि वो उसको अच्छे से रख सके, अच्छे से उसको स्टोर कर सके, ठीक है। एंड वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग बहुत प्रॉपरली करो, जिस वजह से आपका जो लीड टाइम्स हैं वो कम हो जाएंगे एंड ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्स्ट्रा फालतू का जो टाइम होता है वो भी बचेगा, ठीक है। क्योंकि इट इज़ ऑब्जर्व, अगर वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग VSM सही से होता है तो लीड टाइम्स एंड डिलीवरीज को 6 आवर्स के अंदर अचीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो टारगेट मैट्रिक्स, सो हमने क्या क्या चीज़ें टारगेट की हैं, तो फर्स्टली हमने इनपुट मैट्रिक्स टारगेट किया, दैट इज़ मेजर द एक्चुअल डिमांड, क्या डिमांड है। फिर सेकेंडली लीडिंग मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने मेजर करते हैं दी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर, कि हम क्या चीज़ें करेंगे जिस वजह से फ्यूचर में ज़्यादा इफेक्ट आएगा। फिर हमने लैगिंग मैट्रिक्स को टारगेट किया है, दैट इज़ यूजिंग ऑफ प्रॉपर VSM टू सॉल्व द डिमांड सप्लाई मिसमैच प्रॉब्लम। उसके लास्ट में क्वालिटेटिव मैट्रिक, जिसमें हम लोग क्वालिटी का प्रॉपर इंश्योरिटी देते हैं। एंड या, दिस इज़ ऑल अबाउट माई केस स्टडी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जिस वजह से आराम से टायर टू टायर थ्री सिटीज़ में निंजा कार्ट कैन पेनिट्रेट। या, थैंक यू।